Welcome. My name is Dr. Om Prakash Kumar, and today we will learn about nucleophilic substitution bimolecular reaction or SN2 reaction. और यहां पे SN2 ह्यू इन बोल्ड सिंबल है. SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जिसका मतलब यह है कि यह एक ही स्टेप में मुकम्मल होता है. तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं. यहां पे यह एक न्यूक्लियोफाइल है जो इस सब्सट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद एक नया कंपाउंड बनाता है, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है. इसके मैकेनिज्म को हम इस तरह से समझ सकते हैं. यह एक न्यूक्लियोफाइल है और यह सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है. जब न्यूक्लियोफाइल सब्सट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो यह बैक डायरेक्शन से अटैक करेगा, उस डायरेक्शन से जिस तरफ से लिविंग ग्रुप ने निकलना होता है, या हम कह सकते हैं कि ये 180 डिग्री एंगल पे अटैक करेगा. अटैक करने के बाद ये एक कंपाउंड बनाएगा जो कि अनस्टेबल होगा. उसको हम इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं. ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल है और इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे. और ये कार्बन, क्योंकि अब ये 5 फंक्शनैलिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन कहेंगे. पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन कहेंगे. ये कंपाउंड अनस्टेबल है, जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं. तो ये ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये नया कंपाउंड बना देगा जो कि इस तरह होगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन कंसर्टेड रिएक्शन है. इसका मतलब ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में हो रही है, तो साइमल्टेनियसली हो रही है. तो यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन है. जो के न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन एटम के दरमियान है, और दूसरी ये लिविंग ग्रुप में बॉन्ड ब्रेकिंग है. सेकंड पॉइंट ये है कि ये कार्बन अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है. तो ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था, और अब इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये कार्बन
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 फेवरेबल है कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए। एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इस रिएक्शन में इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये हम देख सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर यहां पे इन्वर्शन हो रही है। ये फंक्शनलिटी फ्लिप्ड आउट हुई है। सॉल्वेंट्स इस रिएक्शन को करवाने के लिए आमतौर पर पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दरकार है या हम नॉन पोलर भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन की स्टडी के लिए हम आमतौर पर कनेटिक्स स्टडीज जो करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है। व्हाई? बिकॉज 2 स्पीशी और 2 रिएक्टेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, सो दिस रिएक्शन इज अ बाई मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो बी 2 एज 2 रिएक्टेंट आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड देयर कंसेंट्रेशन इज ऑल्सो चेंजिंग, तो इनका ऑर्डर भी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। रेट, अगर रेट की बात करें तो 2 रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल और सब्सट्रेट मॉलिक्यूल दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसका रेट न्यूक्लियोफाइल और सब्सट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। हियर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड तो इन दोनों पे इसका रेट डिपेंड करेगा। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन देंगे वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे, तो हम कह सकते हैं कि मिथाइल वाले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी होंगे और लास्ट में टर्शरी होंगे। SN1 के लिए वीडियो आप हमारे नेक्स्ट सेशन में देख सकेंगे। थैंक यू।